भारतीय जनता पार्टी ने अनेक प्रकार के काम आसाम के अंदर किए हैं। अभी अभी सरकार जब बनी तब हमने वादा किया था आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, उसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। लचित बरफुकन के जन्म की 400वीं वर्षगांठ में प्रधानमंत्री ने खुद शिरकत करके लचित बरफुकन को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर का नामांकन भी असम के अहोम राज्य के शाही परिवार के जहां पर अंतिम संस्कार हुए वो जगह को करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अभी अभी हमारा विश्व प्रसिद्ध बिहू जब शुरू हुआ तब प्रधानमंत्री यहाँ आए और आसाम ने युवाओं ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बिहू को विश्व प्रसिद्ध करने का। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और आसाम सरकार ने पूरे आसाम को पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी देशों की मेडिकल कैपिटल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आसाम की राजकोषीय स्थिति भी सुधरी है। 21-22 में GSBP 4 लाख करोड़ था और 23-24 में 5.50 लाख करोड़ GSBP बना है। उद्योग बढ़ रहे हैं, औद्योगिक नीति के तहत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अरुणोदय स्कीम आसाम का भविष्य बढ़ाने वाली है। कृषि का विकास हो रहा है, डेयरी का विकास हो रहा है, 3000 तालाबों का विकास हो रहा है और आसाम को अगले 5 साल में हम बाढ़ मुक्त बनाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ा काम आज हुआ है, लगभग 85,000 युवाओं को 2 साल के अंदर पारदर्शिता के साथ एक भी पैसा खर्च करे बगैर सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की आसाम सरकार और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने। मित्रों, में आज के कार्यक्रम में हेमंत जी, उनकी पूरी कैबिनेट और हमारे सभी साथी दलों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आसाम को परिवर्तित करने का, आसाम में परिवर्तन करने का मोदी जी का सपना आपने जमीन पर उतारा है। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो 44,000 साथी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, अमृत काल के अंदर आसाम की सेवा करने का आपको ईश्वर ने जो मौका दिया है, इसलिए आपको और आपके परिवार को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता।